Dear students, welcome on RCIO in Patsala. Today we start हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसलिए इसको शॉर्ट में HP. जिस प्रकार से समांतर श्रेणी को हमने AP बोला, गुणोत्तर श्रेणी को हमने GP बोला, उसी प्रकार से हरात्मक श्रेणी को हम HP बोल देते हैं. अब इसकी परिभाषा क्या होगी, देखिए. एक श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है. एक श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है यदि इसके पदों का व्युत्क्रम करने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो. कहने का मतलब यह है कि एक श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है यदि इसके पदों का व्युत्क्रम करने पर हमें समांतर श्रेणी मिले. देखिए, आप ऐसा बोल सकते हैं, इस एग्जांपल को आप, इस थ्योरी को हल्का सा आप सिंपल वे में समझिए. देखिए, a a plus d a plus 2d a plus 3d, इस तरीके से चले और आप बोलते थे समांतर श्रेणी में है, ये आप बोलते थे. तो इसका मतलब हुआ 1 upon a 1 upon a plus d 1 upon a plus 2d और 1 upon a plus 3d, ये सब किस में होंगे, HP में होंगे. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस टाइम तो हमें लिखना पड़ता है कि जो हरात्मक श्रेणी होती है उसके पदों का व्युत्क्रम करेंगे. व्युत्क्रम मतलब 1 upon a करेंगे. जैसे ए था, उसको 1 upon a किया, ऐसे ही पदों का व्युत्क्रम करने पर हमें समांतर श्रेणी मिलती है. तो अब आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का तो पता नहीं है, तो हम इसको समांतर श्रेणी से थोड़ा रिवर्स कंडीशन में जाके समझ लेंगे. और रिवर्स में कैसे समझा, ये चीज हम 10th क्लास में भी पढ़े हैं और इस बार भी पढ़े हैं कि ये सब किस में है, समांतर श्रेणी में है. और जब आप इनको 1 upon a करोगे 1 upon a plus d करोगे 1 upon a plus 2d करोगे, ऐसे ही 1 upon a plus 3d करोगे, तो ये सब किस में हो जाएंगे, HP में होंगे. इसमें एक आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हो, HP का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता. अगर आपने HP का कोई पद शून्य कर दिया तो आप उसका व्युत्क्रम लोगे. व्युत्क्रम जैसे शून्य है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 upon 1 upon कर रहे हैं तो 0, ऐसा लिख दोगे तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा. और जब अपरिभाषित है तो आप इसको फिर HP नहीं बोल सकते. तो इसलिए इस कंडीशन को आपको बहुत याद रखना है कि नो टर्म ऑफ HP में भी 0, HP का कोई भी पद शून्य नहीं हो सकता. अगर कोई भी पद आपको शून्य मिल गया तो आप बोलोगे कि इसका हरात्मक श्रेणी विद्यमान नहीं होगी. तो इस प्रकार से आपने ये हरात्मक श्रेणी की परिभाषा को पढ़ा. उसके बाद में आपको एक बात और बताता हूं, उसको भी आप ध्यान से देखिए. उसके बाद देखिए, आप ये आप नोट में पहला पॉइंट डालो और ये दूसरा पॉइंट है, सामान्यतया हरात्मक श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात नहीं किया जा सकता. देखिए क्या लिखा मैंने,
सामान्यतः हरात्मक श्रेणी के एन पदों के योगफल को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा था Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d या n by 2 a plus l, उस टाइप का इस श्रेणी में कोई भी फॉर्मूला विद्यमान नहीं है, और जब सूत्र ही नहीं है तो आप हरात्मक श्रेणी के n पदों का योगफल को जनरली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। कई बार केसेस ऐसे बन जाते हैं, इतने इजी बन जाते हैं कि हम उसका योगफल ज्ञात कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस, अधिकतर केसों में हम ऐसा नहीं कर सकते। और जो एक बात और बताता हूँ मैं आपको, एक बात आती है कि क्या हरात्मक श्रेणी के एन एन वह पद ज्ञात किया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि एनवा पद ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये एनवा पद आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हुए। फिक्स एचपी से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको समांतर श्रेणी में यूज करके कर सकते हो। एक बार उसको भी देख लो। देखिए, हरात्मक श्रेणी का एन वा पद आप लिख सकते हो ऐसा, Tn इक्वल टू, जब आपने समांतर श्रेणी पढ़ी उस टाइम आपने बोला a प्लस एन माइनस वन इन टू डी, लेकिन यहां क्या करोगे, वन अपॉन a प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब बाकी टर्म्स वही है, Tn मतलब एन वे पद का मान, a प्रथम पद का मान, n पदों की संख्या, d सार्वंतर। श्रेणी का एनवा पद हमने फॉर्मूला लिख लिया है, और ये फॉर्मूला हमें कभी भी याद नहीं रखना, क्योंकि ये कभी यूज ही नहीं आएगा। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस को हम समांतर श्रेणी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप इसे देखिए,